हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो अभी तक पूरे YouTube में इस तरीके का वीडियो आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मैं एक जगह पे आया हूँ और यहाँ पे आकर के मैं कुछ चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा ध्यान से, शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि अभी यहाँ बाहर मौसम है, मतलब लाइट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिख रहा होगा। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको गोबर से बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब क्या चीज़ है, इसको क्यों बनाया है ऐसा। दोस्तों, मैं इसको बिजनेस के बारे में, आज इसी के बारे में आपको बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो गोबर होता है ना, जैसे मान लीजिए गाय का भैंस का जो गोबर होता है वो खेतों में छींटते हैं। ठीक है, और काफ़ी जगहों पे मतलब इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे इस तरीके का इसको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसको जब लोग मरते हैं उस समय, या फिर पूजा पाठ होता है उस समय, है ना, या फिर कागज़ बनता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज में, मतलब अलग अलग जगहों पे इसको सेल किया जा सकता है यदि आप चाहें तो। ये बिल्कुल कम पैसे से शुरू होने वाला है और आप इसको घर पे रह करके बड़े ही आराम तरीके से कर सकते हैं। मेरे बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितनी मटेरियल लगेगा, कितनी पूंजी चाहिए इसको बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, यदि आपके पास 10-20 हज़ार रुपये हैं या उससे कम है तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत लगता है, जितना आप मेहनत करेंगे इसमें उतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा कमाई होगा। मैं आपको एक ऐसे उठा करके दिखा देता हूँ, शायद ये उठ जाए, अभी गीला ही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये उठा करके मैं आपको दिखा दूँ। देख, ओह सॉरी, टूट गया। अभी ये गीला है और कुछ ये इस प्रकार से है। ठीक है, और ये अभी टूट गया क्योंकि अभी गीला ही है, अभी सूखा नहीं है। इसको सूखने में करीब करीब पूरा मतलब 15-20 दिन, एक महीना भी मान सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है तो ये महीने दिन में सूख जाता है। ठीक है, और जब सूख जाएगा तो इसको कंडे की लकड़ी बोलते हैं, गोबर की लकड़ी बोलते हैं। और इसको आप जो है इसको मच्छर जो भगाने का जो मतलब आयुर्वेदिक तरीका है, देसी तरीका है, मच्छर भगाने का जो उपाय मतलब दवाई बनाते हैं देसी तरीके से, उसमें भी ये यूज होता है। जब लोग मर जाते हैं या फिर किसी का जन्मदिन होता है या फिर पूजा पाठ होता है, यार हर एक चीज़ में ये गोबर की लकड़ी जो है ना काम में लिया जाता है। और ये अगर मुझे लगता है कि अगर आप एक ट्रॉली गोबर ख़रीद लेते हैं तो करीब करीब 1200 या 1500 का मिलेगा। 1200-1500 में आप एक ट्रॉली गोबर आराम से खरीद सकते हैं। और एक ट्रॉली में ये, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं तो इसमें एक में 60 पीस है, एक में 60 पीस है। तो ये एक जो है 60 पीस का है। तो इस तरीके से अगर सिर्फ इसकी बात करूँ या फिर इसकी बात करूँ तो ऐसे जो है ये बन जाएगा आपका कम से कम 10 ऐसे थान बन जाएंगे, 10 थान बन जाएंगे। और 10 थान आप मतलब इसको बना देंगे तो अगर एक में 60 है तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब 10 में 600 पीस होंगे, 600 पीस होंगे। अगर एक पीस को आप 10 रुपये भी लेते हैं, 10 रुपये लेते हैं अगर एक पीस को, तो समझ लीजिए कि 6000 के आसपास इसका बन जाएगा। आपका रॉ मटेरियल कितना का लगेगा? बस कच्चा माल वही लगेगा, 1500 या 2000 का लगेगा। ठीक है, 2000 का लगेगा, ज़्यादा मतलब 2000 लगेगा। उसके बाद से यदि आप उसमें वो करते हैं, मजदूरा लगाते हैं करने के लिए, तो 1000 रुपये भी मान लो। वैसे एक इंसान यदि चाहे तो 2 दिन में ये जो है ना 600 पीस तैयार कर देगा। ठीक है, एक इंसान अगर चाहे, अगर दिन भर काम करे, 8 घंटे की ड्यूटी की तरह करे, आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं है। अगर आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरीके से बनता है, प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो मैं करके भी दिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक इंसान इसको बना सकता है, 600 पीस आराम से बना सकता है 2 दिन में। ठीक है, और ये आपका 6000 का प्रोडक्ट होगा। अगर आप उसमें 2000 भी लागत हटा दो, फिर भी 4000 आपका मुनाफा होगा। ठीक है, अब ये रहता है कि आप इसको बेचोगे कहाँ पे, किस तरीके से बेचोगे। तो मैं आपको बता दूँ, मंदिरों के पास जहाँ पे हवन होता है, पूजा, आजकल तो मंदिरों में ये चीज़ मिलता नहीं है, शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ठीक है, ये और ये रॉ मटेरियल ही आपको गाँव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, जहाँ पर पशु ज़्यादा पाले जाते हैं वहाँ पर इसको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हाथ से ही बनाया हुआ है। आप इसमें कोई मशीन नहीं लगाया, ये हाथ से ही बनाया हुआ है। ठीक है, घर में हमारी माताएं बहनें हैं वो भी इसको बना सकती हैं, इसमें कोई कारीगरी नहीं है। ये इतना मोटा मोटा बना है, आप चाहें तो इसको पतला कर सकते हैं साइज़ को। ठीक है, साइज़ को पतला करके, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा सेल करेंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा है। ठीक है, लागत बहुत कम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यदि आपके पास 5-10 हज़ार रुपये भी हैं तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप हाँ, ये चीज़ है कि इसको, इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, मतलब थोड़ी सी जगह हो जहाँ पे इसको, अगर इस तरीके से नहीं करते हैं, इस तरीके से मतलब सुखाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है ना। अगर ज़्यादा फैला करके रखते हैं एक एक करके तो जल्दी सूख जाता है, और जितना जल्दी सूख जाएगा उतना जल्दी ये बिक जाएगा। इसको मच्छर मारने की जो दवा मैंने बताया था उसमें भी यूज किया जाता है ना। बाकी लिट्टी चोखा जो लोग खाने को इच्छुक हैं, शौक से वो खाते हैं, वो भी इसको यूज करते हैं। अलग अलग लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यार गोबर से यार पैसे निकल रहा है। ठीक है,
तो क्यों ना हम इसकी बिजनेस आपको बता दें, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और रही बात कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आपके बिजनेस आइडियाज आप क्यों नहीं करते हो, आप क्यों नहीं करते हो, दोस्तों मैं नहीं कर सकता, आप जानते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। ठीक है, ये YouTube चैनल मैंने आपके हेल्प के लिए बनाया है और इससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, उसी से जो अपना खर्चा पानी निकालते हैं और जगह जगह जाते हैं और जा जा के आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देते हैं। मैं चाहता हूँ यार कि कोई लोग बेरोज़गार ना रहे। ठीक है, तो बस यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।